गुड मॉर्निंग प्लस वन स्टूडेंट्स, आज परमोटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस चैप्टर नंबर 7 का हमारा ये थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट टू लेक्चर्स में हमने फैक्टोरियल्स एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग डिस्कस किया था। तो ये जो टॉपिक है, दिस इज़ टोटली न्यू टॉपिक फॉर यू एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CBSE एज वेल एज़ फॉर कॉम्पिटिशन्स। और ये काफ़ी सिंपल टॉपिक भी है और इसी टॉपिक पर जो प्लस टू का चैप्टर प्रोबेबिलिटी है, थोड़ा सा प्लस वन में भी है, बट जो मेन प्लस टू में है वो इस पर सारा डिपेंडेंट है। तो ये आपको काफ़ी अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए और इसके लिए आपको दो तीन रेफरेंस बुक्स भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो परमोटेशंस का जो सिंपल सा मीनिंग है वो क्या है, इसका मीनिंग है अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, और जो कॉम्बिनेशन है इसका मीनिंग है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। सपोज हमारे सामने सपोज थ्री स्टूडेंट्स हैं, उदय, रमन एंड निशांत, ठीक है। तो थ्री में से हमने दो दो को लेके इसमें सिलेक्शन करनी है या ग्रुपिंग या अरेंजमेंट करनी है इनके, ठीक है। सबसे पहले हम अरेंजमेंट की बात ही करेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, उदय और रमन पहले मैं ग्रुपिंग कर लेती हूँ, ठीक है। इसका एक ग्रुप बनाया, फिर रमन एंड निशांत इसका एक सेकेंड ग्रुप बनाया, देन निशांत एंड उदय का एक ग्रुप बनाया। तो मेरे पास ग्रुप बने तीन, ठीक है। मैंने दो दो को लेके बनाने थे ग्रुप, ग्रुप बने मेरे पास थ्री, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, अरेंज कर, मैंने इनको थ्री रोज़ में खड़ा करना है, ठीक है। आप इमेजिन करो एक हॉल है या क्लासरूम ही है, ठीक है। उसमें थ्री स्टूडेंट्स थे, मैंने दो दो को लेके ग्रुप बना दिए और जो इनके इनको थ्री रोज़ में मैंने खड़ा करना है। तो मैंने जैसे फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो में मैंने पहले क्या किया, उदय को खड़ा कर दिया, फर्स्ट नंबर पे उदय को खड़ा कर दिया और सेकंड नंबर पे रमन को कर दिया। या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, फर्स्ट रो में मतलब कि पहले मैंने रमन को खड़ा कर दिया, ठीक है, फिर मैंने उदय को खड़ा कर दिया। तो इस तरह से मेरे पास इसके दो अरेंजमेंट्स बन गए, ठीक है, वन एंड टू, क्लियर। इसी तरह से हमने करना आगे के लिए, रमन एंड निशांत के लिए करना है। पहले मैंने रमन को खड़ा किया, फिर निशांत को, या फिर मैंने पहले निशांत को खड़ा कर दिया रो में, सेकंड रो में, ये मेरे पास सेकंड रो थी, ठीक है, और इसके बाद मैंने रमन को खड़ा कर दिया। अब थर्ड रो में मैंने क्या किया, पहले निशांत को खड़ा करा, फिर उसके बाद उदय को, या फिर पहले मैंने उदय को बुला लिया, उदय को खड़ा कर दिया, उसके बाद निशांत को। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक में हमारे पास दो दो अरेंजमेंट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से टोटल हमारे पास कितने अरेंजमेंट्स बने, टू प्लस टू प्लस टू, टोटल कितने बने हमारे पास, सिक्स अरेंजमेंट्स बन गए, ठीक है। तो यदि हम इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करें, तो जैसे कि दो दो के हमने अरेंजमेंट्स करने हैं, फर्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास थ्री लोग थे, उदय, रमन एंड निशांत। जब उनमें से एक फर्स्ट प्लेस पे आ गया, ठीक है ना, एक मैंने सिलेक्ट कर लिया जैसे, तो मेरे पास बाकी कितने बचे, दो, तो ये भी टोटल सिक्स बना, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट्स हैं, दिस इज़ कॉल्ड परमोटेशंस। तो मेरे पास थ्री थिंग्स थी और मैंने टू ली थी, तो थ्री पी टू, इसको ऐसे लिखना, थ्री परमोटेशंस ऑफ, ऐसे बोलना कैसे इसको, परमोटेशंस, एक बार मैं लिख देती हूँ ये वाला, परमोटेशंस ऑफ थ्री थिंग्स, ठीक है, टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है, टू एट ए टाइम, थ्री पी टू लिखना है इसको। अब जैसे कि मैंने अभी यहाँ डिस्कस किया था, जो मेरे पास ग्रुप है, ग्रुप तो मेरे पास थ्री बने ना, वन टू एंड थ्री, ग्रुप तो मेरे पास थ्री बने ना, ठीक है। तो ये जो ग्रुपिंग बनी मेरे पास, जो ये जो मैंने सिलेक्ट किए हैं, ये मेरे पास है थ्री सी टू, उसको क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स टेकन टू एट ए टाइम, ठीक है। ये था थ्री पी टू और ये है थ्री सी टू। तो ये हमने ऐसे साइमल्टेनियसली डिस्कस किया है क्योंकि ये इंटरकनेक्टेड टॉपिक है सारा, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये समझा कि परमोटेशंस क्या होता है और कॉम्बिनेशंस क्या होता है। इसके बाद जो हमारा जनरल फार्मूला है, ठीक है, परमोटेशंस ऑफ एन थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, एन जो थिंग्स हैं हमारे पास, ये डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है। तो परमोटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, इसको लिख भी देती, चलो एक बार, परमोटेशंस ऑफ एन, इसको एन पी आर को क्या लिखते हैं, परमोटेशंस ऑफ एन
डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, टेकन आर एट ए टाइम, और जिसमें आर आपका जीरो से लेस देन, जीरो से लेकर एन तक है, और जीरो के इक्वल भी हो सकता है, एन के इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम अब प्रूव करेंगे कि एन इंटू ये किसके इक्वल होता है, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस आर प्लस वन। तो इसको भी हमने करना है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। जैसे कि अब आपके पास वन टू थ्री, फिर मैं बीच में लगा देती हूँ डैश, ग्रीन से डैश हो गया ये, फिर उसके बाद ऐसे। तो ये टोटल हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, ये टोटल हमारे पास है आर प्लेसेस। इसमें आपने एक पॉइंट नोट करना है, ये जो थिंग्स हैं टेकन आर एट ए टाइम व्हेन थिंग्स आर नॉट रिपीटेड, थिंग्स आर नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं होगी उस केस में ये फार्मूला बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि फंडामेंटल बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन एन वेज, सेकेंड कैन बी फिल्ड इन एन माइनस वन वेज, थर्ड एन माइनस टू वेज, ठीक है। तो जो लास्ट वाला होगा एन माइनस आर माइनस वन वेज, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एन माइनस आर प्लस वन वेज, ठीक है। तो यही हमने शो करना था। तो ये जो बना हमारा एन पी आर, फिर से मैं लिख देती फार्मूला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एन पी आर इज़ एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। इसके बाद हमने करना है, जैसे एन पी आर, यदि हम इसको ऐसे लिखें, एन पी आर इज़ एन इंटू एन माइनस वन, एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिराइव कर रहे हैं हम, एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, एन माइनस आर आएगा, फिर क्या आएगा, इससे कम होते जाएंगे ना, एन माइनस आर माइनस वन, इसको आप वन तक ले जाओ, वन क्रॉस टू क्रॉस थ्री तक। तो आपने जो इस चीज़ को मल्टीप्लाई किया है, इन टर्म से मल्टीप्लाई किया है, तो इनसे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको इससे डिवाइड भी करना पड़ेगा, एन माइनस आर, एन माइनस आर माइनस वन, मतलब ये एन एन माइनस आर से स्टार्ट, मतलब वन से लेकर एन माइनस आर तक की ये टर्म्स हैं, ठीक है। तो यदि हम ऊपर देखें तो ऊपर हमारे पास क्या बना, एन एन माइनस वन, मतलब फर्स्ट वन से लेकर एन तक के नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो ये बना एन फैक्टोरियल, और डिनोमिनेटर में क्या बना, वन से लेकर एन माइनस आर तक के जो नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो ये बना एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमारा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव हो गया, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहीं से आप देखो, जो एन पी आर है, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल के भी इक्वल होगा, क्योंकि देखो जब आपने आर थिंग्स सेलेक्ट कर ली, एन में से आर थिंग्स को जब हमने सेलेक्ट कर लिया, जो आर थिंग्स बची हैं आपके पास, दे कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्व्स इन आर फैक्टोरियल वेज। जैसे कि अभी हमने किया था ऊपर फार्मूला 3p2, तो हमने 3 में से 2 लोगों को सिलेक्ट किया पहले तो, ठीक है। उसके बाद जो दो थे, उदय रमन एंड निशांत, दो थे, वो भी आपस में देखो अरेंज हो रहे थे ना आपस में। जैसे मैंने एक फर्स्ट रो में पहले उदय रमन को खड़ा किया, या फिर रमन या उदय को भी मैं खड़ा कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये जो है, ये भी आपस में कितने वे से अरेंज हो रहे हैं, ये 2 वे से अरेंज हो रहे हैं। तो ये टोटल आपका जितना, ये कितने 6 बने थे, ये 6 ही बनेगा। तो यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला हमारा डिराइव हो गया, एन सी आर इज इक्वल टू एन पी आर अपॉन आर फैक्टोरियल, और एन पी आर हमने अभी फाइंड आउट किया, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल। तो इस तरह से आपने दो इम्पॉर्टेंट फार्मूले डिराइव किए। मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। फर्स्ट है एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और सेकेंड आपने याद रखना है एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल एंड आर फैक्टोरियल, ठीक है। दीज आर द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो आपको लर्न करनी है। अभी मैंने आपको करवाया कि परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम वैन नो रेपिटेशन इज देयर। इसके बाद है परम्यूटेशंस ऑफ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला ये भी, परम्यूटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट है देखो अभी भी, एन डिफरेंट थिंग्स व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, जब आप थिंग्स को रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे कि पीछे भी मैंने करवाया था आपको, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में भी बताया था, जैसे कि सपोज एन थिंग्स आपके पास, टेकन आर एट ए टाइम ही करना आपने, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्लेस है मेरे पास, ये प्लेसेस मेरे पास वही सेम आर प्लेसेस ही हैं,
कितने प्लेसेस हैं? 4 प्लेसेस। तो फर्स्ट प्लेस के लिए चॉइसेस कितनी एन है, सेकंड के लिए भी एन है क्योंकि थिंग्स रिपीट हो सकती हैं, तो अर्थ के लिए भी एन है। तो ये कितनी बार आ गया, एन की एन टाइम एन की पावर 8 बार आ गया आपके पास। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा वो क्या है, द परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। एन ऑब्जेक्ट्स अब देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स वेयर, अब इसमें डिफरेंट नहीं लिखा, देखो मैं डिफरेंट नहीं लिखा, वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड एंड क्यू ऑब्जेक्ट्स आर, क्यू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ अनदर काइंड, तब आपके पास परम अरेंजमेंट्स कितने बनेंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल क्यू फैक्टोरियल। ठीक है, ये कैसे, देखो मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ इसमें। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है ऑल, ठीक है, तो इसमें मैंने टू टू को लेके अरेंजमेंट्स बनाने हैं। ठीक है, पहले हम सिंपल अरेंजमेंट्स बनाते हैं, क्लियर कैसे बनेंगे। जैसे मैंने पहले यहाँ पर ए लिख दिया, फिर ये तो दोनों सेम ही थे, फिर मैंने यहाँ पर एल लिखा, फिर ए लिखा, फिर एल लिखा, फिर यह एल एल ए कर दिया। आप देख रहे हो क्या इसके अलावा कोई और बन सकती है अरेंजमेंट्स, कोई अरेंजमेंट नहीं बन रहा। बट यदि जो हम फार्मूला हमने किया स्टार्टिंग में, ठीक है, यदि हम वो लगाएं तो वो बनता है 3 फैक्टोरियल अपॉन टेकन 2 एट ए टाइम है ना, 3 माइनस एन माइनस आर करना ना, 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये टोटल 6 बने, बट ये तो 3 बन रहे हैं आपके पास। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये दो एल है ये दे आर गिविंग द सेम अरेंजमेंट्स, हमें सेम अरेंजमेंट्स दे रहे हैं। तो हमने क्या करना है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन क्या करना है, 2 फैक्टोरियल। इसमें जो एल्स, एल आपके पास दो बार रिपीट हो रहा है, तो आपने 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देना है, तो कितने बने आपके पास सॉल्व करके, 3 आ गए। तो इस तरह से करना, ये सम्स काफ़ी सिंपल होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको, मतलब कि जो परमुटेशंस को, इस तरह से आपने सारा करना है। जो मेन सारा था सीबीएसई लेवल का, वो मैंने आपको सारा करवा दिया, परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस भी। ठीक है, अब इनके रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको करवा देती हूँ। जैसे हमने देखा रिजल्ट्स जो हैं इसके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट आपने करना है, जैसे एन पी एन क्या होगा, फार्मूला लगाना आपने सिंपल एन फैक्टोरियल और इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस एन फैक्टोरियल, तो ये आएगा एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आ गया आपके पास। सेकंड है एन पी नॉड होगा, 0 मतलब एन फैक्टोरियल, आप सिंपली फार्मूला लगाते जाएँ, कोई गलती नहीं होगी आपकी, तो ये 1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही आपने करा एन सी, सी से करें तो एन सी एन कितना होगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस एन फैक्टोरियल, और एक किया था आपके पास एन फैक्टोरियल, क्योंकि मैं फार्मूला रिपीट कर देती हूँ, एन सी आर क्या था, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये कितना बना, एन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल, तो ये 1 आ गया। फिर एन सी नोड कितना आएगा, एन फैक्टोरियल, एक इन दोनों का डिफरेंस होता है और एक ऊपर वाले का फैक्टोरियल होता है, ऊपर नीचे वाले का नीचे होता है। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, तो ये भी 1 आ गया। तो हमने देखा कि जो एन सी नोड हमारा, एन सी एन इज इक्वल टू एन सी नोड आ गया। तो इससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारा डिराइव हो रहा है, वो क्या है, एन सी आर, अभी हमने देखा ये तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल है, और जो एन सी इन दोनों का डिफरेंस करें, यदि हम एन माइनस आर करें तो ये कितना आएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, फिर एन माइनस, मैंने बताया था इन दोनों का डिफरेंस लेना आपने, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन से एन कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो ये भी आर फैक्टोरियल बचेगा। तो हमने देखा फिफ्थ एंड सिक्स सेम है, तो क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव हुआ, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका। ठीक है, ये आपने अच्छे से करना है। तो इसके बाद से फिर से हमारे पास एक और फार्मूला है, एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू होगा आपके पास, तो इधर पी इज इक्वल टू क्यू होगा, और जैसे ये वाला फार्मूला लगाने के बाद पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एन हो जाएगा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि आपने करना है। ठीक है, इसके बाद एक और रिजल्ट है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, वो क्या है रिजल्ट, इफ़ एन सी एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर।
मतलब आपने देखा आर एंड आर आर माइनस वन में से जो मैक्सिमम होगा वो आएगा, और जब ये दोनों सेम होंगे तो ये वन ऐड इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एक बार प्रूफ कर लेते हैं। तो एन सी आर की वैल्यू क्या होगी, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल प्लस एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा ये। ठीक है, अब जो फैक्टोरियल्स मैंने आपको खोलना सिखाया था, इन दोनों में से जो लीस्ट होता है, जैसे ये r फैक्टोरियल को हम r माइनस वन तक खोलेंगे और ये n माइनस आर है, ये n, तो जो बड़े वाला खुलेगा, बड़े मैक्सिमम वाला n माइनस आर प्लस वन वाला खुलेगा और यहाँ तक जाना है हमें n माइनस आर फैक्टोरियल का। ठीक है, तो ये आएगा आपका n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल, r को खोलेंगे r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू r आएगा। ऐसे ही सेकेंड वाला हमने खोलना है r माइनस वन फैक्टोरियल, मैंने n माइनस आर प्लस वन को बाहर ले लिया और मेरे पास बचा n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब इन दोनों में से जो चीज़ कॉमन है वो कॉमन ले लें आप, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। ठीक है, जो चीज़ कॉमन है उसको बाहर निकलें तो बाकी सारा सॉल्व करेंगे, n फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल। तो अंदर बचा हमारे पास वन ओवर आर प्लस वन ओवर एन माइनस आर प्लस वन बचा, तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ तक एज इट इज़, आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन एन माइनस आर प्लस वन प्लस आर, तो ये आ गया आपके पास, ऊपर आएगा एन प्लस वन और जो नीचे आर इंटू एन माइनस आर प्लस वन, ये था एन फैक्टोरियल आर माइनस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इन इसको आप इकट्ठा करें सारा, ठीक है, आर वाले को इकट्ठा करें, ठीक है, और दूसरा वाला भी इकट्ठा करेंगे, तो एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन क्या बना, एन प्लस वन फैक्टोरियल बना, और r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर क्या बनेगा, r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन क्या बनेगा, ये बनेगा आपका n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। तो ये देखिए, तो ये हमारा क्या बना फिर, दिस इज़ अवर n प्लस वन सी आर, जो कि हमें प्रूव करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ठीक है, तो ये था हमारा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो इसकी एक बार फिर से मैं आज समरी लिख देती हूँ सारी, जो जो हमने किया है समरी आप याद कर लेना। फर्स्ट हमने किया था एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, सेकेंड हमने किया एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, थर्ड हमने किया, चलो एन फैक्टोरियल भी लिख देते हैं, वन क्रॉस टू क्रॉस थ्री, ठीक है, और एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। फिर उसके बाद परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम व्हेन द थिंग्स आर रिपीटेड इज एन की पावर आर, उसके बाद व्हेन पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ वन काइंड क्यू ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ अनदर काइंड, तब हमने ये किया था। ठीक है, इसके बाद हमने किया एन सी आर एन सी नोड इज इक्वल टू एन सी एन इज इक्वल टू वन, एन पी एन का फार्मूला क्या किया था हमने, एन एन पी जीरो कितना किया था हमने, एन फैक्टोरियल अपन एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये वन आ गया था। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फार्मूला किया एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर इफ एन सी पी इज इक्वल टू एन सी क्यू देन पी इज इक्वल टू क्यू और पी प्लस क्यू इज इक्वल टू एन। तो ये सारे फार्मूले आपने याद कर लेने हैं, ठीक है, और इसको एक बार थ्योरी को इसको अच्छे से एन सी आर टी की बुक में से अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम हमारी एक्सरसाइज बची हैं वो सारी एक्सरसाइजेस वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो इसको फिर आपने अच्छी तरह से करके आना और एक्सरसाइज वन भी ट्राई करके आना, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।